राजस्थान के प्रतापगढ़ में हुई यह घटना और इसका वीडियो आपको शर्म से सिर झुकाने पर मजबूर करेगा। एक महिला से हुई बर्बरता को लेकर पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल उस मानसिकता पर है जिसमें आज भी एक पति यह सोचता है कि वो खुलेआम अपनी पत्नी के साथ ऐसी बर्बरता कर सकता है। देखिए कैसे ये दो तीन लड़के, इसका पति उसमें शामिल है, जबरन लोगों के बीच में उसे निर्वस्त्र करता है। पूरे ससुराल के परिवार के लोग उसके साथ घूमते हैं, उसे निर्वस्त्र दौड़ाते हैं। सोचिए उस महिला पर क्या बीत रही होगी। पूरा गांव हंसता है, लोग तालियां पीटते हैं, वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। निर्वस्त्र वो महिला नहीं हो रही थी, नंगे ये लोग हो रहे थे और वो पुलिस हो रही थी जिसकी मौजूदगी, जिसका इकबाल खत्म हो चुका है। अरे जिस सरकार में मुख्यमंत्री कहे कि 56% रेप के मामले फर्जी होते हैं, जिस सरकार में शांति धारीवाल मंत्री ये कहे कि ये तो मर्दों का प्रदेश है, ऐसे मामले होते रहेंगे, उस सरकार से, उस व्यवस्था से क्या उम्मीदें रखी जाए। इस महिला को यह सब कुछ क्यों भुगतना पड़ा है, किसी की जवाबदेही क्या इसके लिए बनेगी। मणिपुर से लेकर राजस्थान, महिलाओं का हाल और ऐसे आते हुए वीडियो हम सबको सोचने पर मजबूर करते हैं कि इस पूरे सफर में आजादी के बाद हम कहां पर गलत हो गए, कहां पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, उनके सशक्तिकरण को लेकर हम पीछे रह गए। बीजेपी महिला सुरक्षा के मुद्दे पर गहलोत सरकार को घेर रही है। अशोक गहलोत कह रहे हैं सभ्य समाज में जगह नहीं है, कुछ उनके मंत्री कह रहे हैं पारिवारिक मुद्दा है, लेकिन इन सब के बीच महिलाओं की सुरक्षा आज भी बड़ा मुद्दा है, कुछ हुआ नहीं है। इस मुगालते में मत रहिएगा कि निर्भया के मुद्दे के बाद जब मोमबत्ती लेकर लोग इंडिया गेट पर गए तो उसके बाद यह देश बदल गया, यह देश नहीं बदला है। आज भी ऐसी घटनाएं होती हैं, सरेआम होती हैं, कुछ सामने आती हैं क्योंकि वीडियो आ जाते हैं, उन पर चर्चा होती है, बहस होती है, कटघरे में सरकारों को खड़ा किया जाता है, लेकिन उनकी ईमानदारी, उनकी नीयत पर शक जिंदा रखिएगा जब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के प्रतापगढ़ की शर्मसार कर देने वाली इन तस्वीरों ने पूरे सूबे को हिलाकर रखी। इस महिला का कसूर इतना था कि वो अपने पति का घर छोड़कर किसी और के साथ चली गई, जिसके बाद पति और ससुराल वालों ने महिला से ऐसी वहशत की जिसे देख सुनकर हर कोई सन्न हो गया। महिला को गांव में निर्वस्त्र कर घुमाया गया, समाज के सामने उसकी गरिमा को तार तार किया गया। तस्वीरें वायरल हुई तो फिर राजस्थान की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई। फिर से राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठे तो पुलिस कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया। मेन मुलजिम में 3 लोगों को डिटेन किया है और बाकी मुलजिम भी हम तुरंत डिटेन करके गिरफ्तार करेंगे और इसमें सख्ती से कार्रवाई होगा। हम कितने अच्छी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करके उनको 100% सजा दिलवाएंगे। पीड़िता की मानसिक स्थिति कैसी, कि आपकी बात हुई है क्या? सुबह मैंने पीड़िता से बात किया है और उनका आश्वासन भी दिया है, अभी वो नॉर्मल है। लेकिन वारदात इतनी जघन्य है, दिल दहलाने वाली है कि सियासी हमलों में भी देरी नहीं लगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस घटना की तुलना मणिपुर के वायरल वीडियो से करने लगे और गहलोत सरकार पर हमलों की झड़ी लगा दी। राजस्थान में जो उत्पीड़न चल रहा, अब मुझे कल प्रतापगढ़ की घटना सुनने को मिला। आप बताइए, मानवता शर्मसार होती है कि नहीं होती है? बताइए क्या घटना है, महिलाओं का अपमान, सरकार चुप, मूक दर्शक। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक है, सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है और ऐसे माहौल में ये घटना सरकार की चिंता बढ़ाने वाली है। लिहाजा सीएम अशोक गहलोत खुद प्रतापगढ़ में पीड़ित के घर पहुंचे, मदद का भरोसा दिलाया, आरोपियों पर कड़े एक्शन का विश्वास दिलाया। बहुत दुखद घटना थी। ऐसी स्थिति में एमएलए साहब हो, चाहे एसएचओ हो, चाहे एचपी साहब हो, सब लोग एक्टिव हो गए और रात को ही जो मेन मुलजिम थे उनको अरेस्ट किया है, 3 लोगों को। सुबह और अरेस्ट हो गए, कुल 10 अरेस्ट हो चुके हैं। और भी कोई मुलजिम होगा, नाम आएगा उसका, उस पे कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध का ये पहला मामला नहीं है।
बीते कुछ दिनों में लगातार शर्मनाक वारदातों के चलते सरकार विरोधियों के निशाने पर है। अब प्रतापगढ़ के वीडियो के बाद बीजेपी ने गहलोत सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। कुछ नेता तो गहलोत के इस्तीफे तक की मांग कर रहे हैं। राजस्थान की सरकार की एक तरीके से आंखें खोलने वाली घटना है ये। दरिंदगी चीख चीख कर कह रही है कि अशोक गहलोत जी, आपकी पूरी निष्ठा सियासत में और कुर्सी बचाने में है, लेकिन किसी अबला की असमत कैसे बचे, ये आपका कमिटमेंट और आपका समर्पण, आपकी निष्ठा कभी नहीं दिखी। हम कितनी बार आपसे कह रहे हैं कि मणिपुर से ज्यादा घिनौनी घटनाएं राजस्थान में हो रही हैं, केवल वीडियो आना बाकी है। अब वो भी आपकी तसल्ली पूरी हो गई होगी। कल रात को प्रतापगढ़ राजस्थान से वीडियो आया होगा आपके पास, एक गर्भवती महिला को निर्वस्त करके बाजार में घुमाया जा रहा है, लेकिन आपके मंत्रिमंडल को तो इसके अंदर मर्दानगी दिखाई देती है। अब इस मामले पर जबरदस्त सियासत हो रही है। राज्य महिला आयोग ही नहीं, दिल्ली से राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम तुरंत सक्रिय हो गई। वहीं गहलोत सरकार एक्शन की दलील और दूसरे राज्यों का हवाला देकर अपना बचाव कर रहे हैं। ऐसा कोई भी कृत्य कर रहा है, मान के चलना, चाहे वो खुद पति हो, उसके परिवार के लोग हो, किसी को बख्शेंगे नहीं। राजस्थान में एक भी अपराधी सुन ले, सावधान रहे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। आप जान रहे हैं आजकल सख्ती से कार्रवाई होती है और किसी को नहीं छोड़ेंगे। पुलिस ने पीड़ित के पति सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है और सात आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन विचलित कर देने वाले इस वीडियो के सामने आने के बाद महिला सुरक्षा के मुद्दे पर गहलोत सरकार कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। संवाददाता जयकिशन के साथ शरद कुमार, आज तक। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आज तक .in पर जरूर जाएं, और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप।